यही मुलायम सिंह यादव है, जिस टाइम मौलाना जौहर विश्वविद्यालय बनाया जा रहा था इन्होंने मौलाना शब्द हटाने के मना कर दिया था कि यूनिवर्सिटी की परमिशन जब मिलेगी कि पहले आपको मौलाना शब्द हटाना पड़ेगा। सपा ने किया क्या मुसलमानों को? आज 27% जो मुस्लिम जवान है, नौजवान है, वो जेलों में है। क्या गारंटी है कल को मुस्लिम यहाँ पीटेगा नहीं? क्यों दंगे नहीं होंगे, इनके मुकदमे दर्ज नहीं होंगे? क्या गारंटी है उत्तर प्रदेश में कल को जाट पीटेंगे? यादवों से कहने जाएंगे मुसलमान, वो यादव ये कहेंगे सरकार के आतंक जाट हमारी, तो मुसलमान तो फिर पीटेगा? उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहन जी सरकार बना रही है, इनकी सरकार में मुसलमान पिटता क्यों है, क्यों जेलों में घुसता है, दंगे इनकी सरकार में क्यों होते हैं? जब माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, जिस टाइम बाबरी मस्जिद को शहादत किया जा रहा था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया था कि मस्जिद को गिरने नहीं देंगे हम। इरशाद जी, आप BSP का प्रचार कर रहे हैं, कहा जा रहा तमाम मुसलमान तो सपा में चले गए हैं, आप क्यों BSP के साथ हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब क्या है, कुछ जो एजेंट हैं लोग समाजवादी पार्टी ने रखे हैं। समाजवादी पार्टी से तो नाता तोड़ चुके हैं मुसलमान, क्योंकि बहुत ही दर्द इन लोगों ने हमको दिया है। इन लोगों ने अपनी गुंडागर्दी चलाई है और इस गुंडागर्दी से मुस्लिम समाज काफ़ी निराश है इन लोगों से। इनको एक वोट भी नहीं मिलेगी समाज पार्टी को, क्योंकि इनकी सरकार होती है उत्तर प्रदेश में 2014 में, दिल्ली में सरकार बनती है BJP की 2014 में, और मुसलमानों को पीटा जाता है। इनकी एक क्या जिम्मेदारी रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की दो जाति हमेशा जिम्मेदार रही है सियासत में, या तो जाट बाहुबल रहा है या यादव रहा है, इन्हीं के हाथ में उत्तर प्रदेश की सियासत रही है और मुसलमानों ने इनको सपोर्ट किया। और इन्होंने 2014 में, अब 13 में जो दंगा हुआ है, इनकी सरकार में दंगे हुए हैं, कम से कम 400 दंगे रजिस्टर्ड हैं, तो मुसलमान इनसे नाराज़ है बिल्कुल। और ज़्यादातर बहन जी तरफ देख रहा है, क्योंकि बहन जी की सरकार में जब जब सरकार आई है, ऐसी ताकतों को हमेशा संविधान के हिसाब से रोका गया है और सर्व समाज के साथ हमेशा बहन जी सरकार रही है, और बहन जी में पूरी तरीके से विश्वास है मुस्लिम समाज साथ में है। तो सपा में हित नहीं है मुसलमान? नहीं, बिल्कुल नहीं है सपा के अंदर। सपा ने किया क्या मुसलमानों को? आज 27% जो मुस्लिम जवान है, नौजवान है, वो जेलों में है। क्यों है जेलों में? भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, आपको कई बार आपके बाप को, वालिद साहब को आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपको मुख्यमंत्री बनाया, इनके वालिद साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि मोदी जी हमको एक बार आपको प्रधानमंत्री चाहते हैं, तो कैसे यकीन कर लें इन लोगों पे? क्या गारंटी है कल को मुस्लिम यहाँ पीटेगा नहीं? क्यों दंगे नहीं होंगे, इनके मुकदमे दर्ज नहीं होंगे? क्या गारंटी है उत्तर प्रदेश में कल को जाट पीटेंगे तो यादवों से कहने जाएंगे मुसलमान, वो यादव ये कहेंगे सरकार के आतंक जाट हमारी, तो मुसलमान तो फिर पीटेगा? ना संविधान का लाभ मिलेगा हमारे बच्चों को, ना तो किसी प्रशासनिक कार्य में भर्ती की जाती है और ना ही कभी कोई ऐसी कोई रिवेट जाती है, बस बदनाम करने के लिए, रहनुमाई करने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं। काहे का साथ है? तो फिर ये हाय हल्ला क्यों मच रहा, शोर क्यों मच रहा? ये शोर इसलिए है, देखिए हमारी पार्टी हमेशा बाबा साहब काशीराम साहब कहते थे कि मीडिया पे, जो मीडिया के लोग हैं, जो सामाजिक लोग ऐसे लोग हैं, एजेंडे, उन पर यकीन मत करिए। हमें तो 10 फरवरी को इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ चुनाव होंगे हम अपनी ताकत दिखा देंगे डिब्बाओं के अंदर कि हम किसके साथ हैं किसके नहीं। पर कहा जा रहा है BJP की सरकार आ रही है। नहीं नहीं, सरकार कुछ नहीं है, ये देखो इनके हाथ में तो बड़े बड़े लोग हैं, ये तो कहेंगे ही इनकी सरकार आ रही है, जबकि ये खाली हो चुके हैं। बाबा अपने मठ में चले जाएंगे 100%, बाबा खुद चुनाव नहीं जीत रहे, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद चुनाव आ रहे हैं गोरखपुर से। वो क्यों हार रहे हैं जो? वो इसलिए हार रहे हैं, क्या क्या गोरखपुर में, पहले लड़ रहे थे कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा, आप कह रहे थे फिर मथुरा से लड़ूंगा, इनको तो भगाया जा रहा है। पर सर्वे तो कह रहा है कि सर्वे है। किसका है सर्वे? हमारा तो सर्वे है नहीं, अब ये किसका सर्वे है किसका नहीं है हमें क्या जानकारी इस बारे में? सर्वे पर विश्वास नहीं BSP हम क्यों करें सर्वे पे? हम तो अपने डिब्बा बूथ पे यकीन है, पूरी तरह यकीन है बूथ पे। आप हम अपने बूथ देख रहे हैं हमारे चेक करके, उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहन जी सरकार बना रही है, और बहन जी की सरकार बनते नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, गुंडागर्दी सब खत्म। मुस्लिम समाज का रुख बदल रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिम समाज का कहीं कोई रुख नहीं है, बस मुस्लिम समाज अपनी समझदारी से चुप से बहन जी को वोट कर रहा है ज़बरदस्त, और बहन जी की सरकार बनेगी तुम देख लेना, मुस्लिम समाज को वही सम्मान इस देश में मिलेगा जो पहले दिया करते थे। हमेशा मुस्लिम दलित, हमेशा बहन जी ने सर्व समाज की बात की है, किसी धर्म जाति की बात नहीं की है। बहन जी की सरकार उठा कर देख लो, इतने मुकदमे और दंगे तक भी नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो दंगे इनकी सरकार में समाजवादी पार्टी सरकार में होते हैं। मुस्लिम समाज तो दंगे तो समाजवादी वाले कहते हैं BJP करवाती, दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों मिले हुए हैं, क्लियर स्पष्ट है भाई। इनकी सरकार होती है, इनकी सरकार में मुसलमान पिटता क्यों है, क्यों जेलों में घुसता है, दंगे इनकी सरकार में क्यों होते हैं? समाजवाद वाले कहते हैं BJP दंगा करवाते हैं, वो BJP वाले दोनों मिले हुए हैं, मैंने कहा ना ये दोनों मिले हुए हैं। इनसे सबसे बड़ा रजिस्टर्ड इनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं शिवपाल यादव मुकदमे दर्ज हैं, उनको तो बंद नहीं किया। पहले इनका बाप जो, इनका जो चाचा है शिवपाल यादव पार्टी बनाता है, वो BJP का एजेंट नहीं होता,
आज लोग इनके साथ हैं, इनके घर से इनकी जो घरवाली परिवार की वो चली गई है, उसको मुलायम सिंह यादव आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम जाइए सरकार बनाइए बीजेपी की, तो इन पर कैसे यकीन कर लेगा मुसलमान। इरशाद जी, जो मुलायम सिंह यादव हैं बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन वो मोहन भागवत से मिलते हैं। जी बिल्कुल, मैंने कहा ना उत्तर प्रदेश के अंदर जब माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, जिस टाइम बाबरी मस्जिद को शहादत किया जा रहा था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया था कि मस्जिद को गिरने नहीं देंगे हम, तो मैं कैसे मान लूँ इनका, क्या यकीन कर लें इनके लोगों का। इनके नीचे जो कच्चा है और रियलिटी डेफिनेटली सी है कि ये लोग मिले हुए हैं बीजेपी के लोगों से। बीएसपी में क्या हित है मुसलमानों? बीएसपी के अंदर ये हित है कि मुस्लिम समाज हमेशा दलितों के साथ रहा है। आप उठा कर देख लीजिए पुराना इतिहास, वो तहरीक उठा कर देख लीजिए कि बाबा साहब को पार्लियामेंट में भेजने वाले लोग भी हम ही थे, क्योंकि सैयद खलीकुल जुमा को मुस्लिम लीग के सांसद थे बंगाल की मुर्शिदा सीट से, उन्होंने इस्तीफा दिया और बाबा साहब को इसलिए भेजा क्योंकि हमारी दलित समाज और मुस्लिम समाज हमेशा कयादत में नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि बाबा साहब आपको ज़रूरत है पार्लियामेंट में जाने के लिए, कोई ऐसा कानून इस देश में बना दीजिए। देखो बाबा साहब ने एक ऐसा कानून बनाया इस देश में, ऐसा संविधान बनाया, दुनिया बारूद के ढेर पर तलवार के ढेर पर हुकूमत कर रही है, लेकिन भारत के अंदर संविधान एक अंगूठा वोटिंग के निशान से राज कर रहा है, ऐसा देश का किसी देश का संविधान नहीं है। लेकिन तमाम पार्टियाँ तो मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम। मैंने कहा ना कि हम संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब ने कहा था इस संविधान के अंदर सबको सम्मान अधिकार है, यदि इसका ढंग से तरीका से काम किया जाए तो ये सबके हित के काम करता है, आज भी करता है। ये सरकार जो बनी हुई है संविधान से बनी हुई है। आज अखिलेश यादव पर क्यों नहीं विश्वास कर रहे? अखिलेश यादव दस मंत्रालय, मैं वही तो कहा था। देखिए अखिलेश यादव पर इसलिए यकीन नहीं करते कि मुस्लिम समाज अब तक आजम खां को बहुत बड़ा लीडर मानता है और मानता भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक क्या बकरी चोर, एक सांसद, एक इतना ताकतवर नेता, उसको एक बकरी चोरी मन कर दोगे आप? क्या मुस्लिम समाज इतना गिर चुका है कि एक इतने बड़े सांसद के लिए बकरी चोरी का इल्ज़ाम लगवाएगा? उन्होंने क्या गलती कर दी? एक यूनिवर्सिटी बना दी, यही मुलायम सिंह यादव है। जिस टाइम मौलाना जौहर विश्वविद्यालय बनाया जा रहा था, इन्होंने मौलाना साहब हटाने के लिए मना कर दिया था कि यूनिवर्सिटी की परमिशन जब मिलेगी कि पहले आपको मौलाना साहब हटाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अजीज कुरैशी राज्यपाल होते हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने भी ये कहा है कि इसमें मौलाना शब्द हटाइए तब परमिशन दी जाएगी, मजबूरी में हटाना पड़ा जौहर विश्वविद्यालय की परमिशन, खाली जौहर विश्वविद्यालय से, ना कि मौलाना जौहर विश्वविद्यालय से, इसीलिए मुसलमान नाराज इन लोगों से। बीएसपी कितने सीट जीत रही है? उत्तर प्रदेश हम सरकार बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश जी हाँ बिल्कुल ताकत से सरकार बना रहे हैं। बहन जी ने तो एक भी रैली नहीं करी है। रैली से क्या मतलब है? बहन जी ने संविधान का पालन किया है, कोविड-19 का पालन किया है, अब कोई नहीं करे तो उसका क्या मतलब है? हम हमेशा संविधान पालन करते हैं, हमारी पार्टी संविधान को ही मानती है। अगर संविधान के जिसको सरकार है वो सरकार बनाएंगे, संविधान की ही सरकार बनाएंगे हम, इसलिए बहन जी संविधान में विश्वास करती है। और मुस्लिम समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज पूरा एकजुट साथ है सरकार के, और बहन जी की सरकार बनाएंगे हम उत्तर प्रदेश में। किसान आंदोलन कितना असर डालेगा चुनाव में? बहुत असर डालेगा, किसानों के साथ में धोखा किया इन लोगों ने, किसानों के बिजलियों का बिल बढ़ा के शोषण किया है। एक बात बताइए, ये सरकार हमने बनाई है, हम सरकार से अपना हिसाब मांग रहे हैं, तो सरकार इतनी कट्टर नहीं हो सकती कि दो दो साल तक किसान वहाँ बैठे रहेंगे? 600 किसानों ने शहादत दे दी, उनके बारे में बोलते तक नहीं है, तो इनको तो नाराजगी होने उनके गाँव में नहीं घुसने देंगे हम लोग। लेकिन योगी जी ने कहा है कि हम किसानों का आधा बिल कर रहे हैं इस बार। देखिए ऐसा है ना, जब सानी बिल्ली जो नाश्ती क्या कहावत होते हैं, तो ये लोग क्या इनको दिख रहा है सर, ये लालच दे के खरीदना चाहते हैं इस देश की आम जनता को। ये जनता जान चुकी है, इन्होंने कोविड-19 के नाम पे सबको बेरोजगार कर दिया है। ये सारे नौजवान हैं, इनमें से बताओ किसकी नौकरी लगी है? किसी की नौकरी लगी तुम लोगों की? बताइए, घरों में बैठे हैं, पढ़ लिख के बैठे हैं, माँ बाप ने पैसा खर्च करके शिक्षा दी है। आज इस देश की शिक्षा को 8.5% जो बच्चे हैं गरीबी जो गाँव में जी रहे हैं, उन्होंने स्कूल तक नहीं देखा, तो इस देश का संविधान में आगे तक क्या बनेगा, क्या भविष्य होगा इस देश का? इस देश के मुस्तकबिल को खत्म किया जा रहा है। हमने तो विकास किया भाई, वो एक चीज बताइए, वो तो कहेंगे क्योंकि आज वो संविधान के हिसाब से मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री, वो तो कहेंगे ही, कह रहे हैं गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। कहीं गुंडा मुक्त नहीं है। ये बताइए, हाथरस की जो बेटी है जिसको दिन दहाड़े बिना किसी पूछे हुए रात को 12 बजे करीब जला दिया गया, और वहाँ के लोग कहते हैं कि जो बिगाड़ना चाहे बिगाड़ लो, ये क्या तरीका है? केरला में गए हैं कल अमित शाह जी, बिना मास्क के पर्चे बैठ रहे हैं वहाँ पर, मैंने FIR हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना इनके हाथ में जो कुछ ये करना चाहे, ये जिसको चाहे आतंकवादी बना दें, जिसको चाहे ये बदनाम कर दें, जिसको चाहे जेलें बंद दें, किसी को घर पर छापा डलवा दें, अपने ही इन्होंने एक जैन है इनका कोई, अपने ही आदमी साहब मार दिया इन लोगों ने, तो सोचो ये किसके सगे हैं? किसी सगे नहीं है लोग ये। लेकिन कहा जा रहा है बीएसपी ने तो सरेंडर कर दिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कौन कहता है इस बात को? ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब बेकार की बातें, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी से नहीं मिले हुए आप लोग? इस बारे में हम विषय नहीं कर सकते, बीजेपी से क्या मतलब, हमारा लड़ाई बीजेपी से है पूरे देश में।
टक्कर किससे है? हमारी टक्कर किसी से बीजेपी से है, और किस टक्कर हमारी, हमारी किस टक्कर नहीं है। ओवैसी भी मैदान में है। ओवीसी का तो देखो मैं नहीं कह सकता ओवीसी क्या है, ओवीसी अपना काम कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ओवीसी उत्तर प्रदेश में कामयाब हो जाएंगे। क्यों, आप उनको नेता नहीं मानते? नेता हो सकते, हम क्यों माने, हमारा तो नेता है, हमारी बहन जी नेता है। खेल बिगाड़ दिया था उन्होंने। किसने? विपक्ष का, ओवीसी। बिहार के लोगों ने गलती करी हो, इसलिए खेल बिगड़ा है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने तो गलती नहीं की, हम नहीं करेंगे गलती, हम तो सर्व समाज साथ दे बैठे हैं। कट्टरता किसी भी समाज की हो वो कभी कामयाब नहीं होती है। बहन जी की सरकार में संविधान से काम होता है, सर्व समाज की बात होती है। वो कह रहे अपना समाज का नेता बनाइए, कब तक दूसरों के भरोसे रहो? हमारा नेता तो बहन जी है, और बहन जी की ही नेतृत्व में सरकार बनेगी। अच्छा। तो हम क्यों किसी को नेता माने, बहन जी यकीन करते हैं हम, जो संविधान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। सर अब आपको नहीं लग रहा मंदिर वाले राज कर रहे हैं, जो मंदिर की बात कर रहे हैं, जो मंदिर बनवा रहे हैं? मंदिर उन्होंने कहाँ बनवाया है? मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट देखिए, देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका ने विश्वास करता है, संविधान के हिसाब से न्यायपालिका ने बनाया है। जो न्यायपालिका निर्णय ले दिया उस पर तो हमको सवाल कर ही नहीं सकते, इनका तो कोई रोल ही नहीं है उसमें। लेकिन इरशाद जी मुस्लिम वोट है जो यूपी में बहुत बड़ा फैक्टर रखता है। बिल्कुल फैक्टर रखता है, बहन जी के साथ है, हमने कहा ना बहन जी के साथ है, बिल्कुल सरकार बनाएंगे। देखिए जब बहन जी की सरकार में जब गठबंधन हुआ था, 15 MP ऐसे थे जो कुछ वोटों से हारे थे, इन्होंने हराए थे, इन्होंने मसीह में क्या मिस्टेक की थी हमने, ये तो सब जांच कभी से होगा। सरकार बदलने दो, इनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी, जो इन्होंने किया है वो सब चीज़ें खुलेंगी। वो कुछ लोग कहते हैं कि बहन जी टिकट बेचती हैं चुनाव में। देखिए ये तो एक आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, टिकट बेचती है क्या नहीं होता है, ऐसे तो बीजेपी के लोग सपा के लोग क्या करते हैं अंदर खाने। बशर्ते ये है कि हम लोगों को क्या है ना, हम ताकतवर लोग हैं, ताकतवर लोगों को बदनाम किया जाता है। आप लोगों को देखिए, हम इतनी बड़ी ताकत में हैं कि बहन जी पिछली सरकार भी कम से कम 22-23% वोटों पर रही थी। वो इनको डर है, ये डरते बहन जी से हैं। आज तक जितनी बड़ी पार्टियां वो बहन जी से ही डरती हैं, क्योंकि उसकी डर की वजह से कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर क्या बनाया, हमने गठबंधन किया पंजाब में तो चन्नी को चीफ मिनिस्टर बनाया, दलित को अन्य, अब से पहले तो दलित को नहीं बनाया इन लोगों ने। इनको पता है कि बहन जी एक बार जब हुंकार भर देती हैं, दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, ओबीसी समाज हो, स्वर्ण समाज हो, सबके हित की बात करती हैं। देखिए बहन जी ने जब सरकार थी, बहन जी ने 1,00,000 नौकरी सफाई कर्मचारी की दी थी, किसी जाति विशेष को नहीं, सर्व समाज के लोगों को दी थी। काशीराम आवास योजना सर्व समाज के लोगों को दी थी। बहन जी की सरकार जब जब होती है सर्व समाज की ही बात होती है, ऐसा नहीं है कि बहन जी की सरकार में किसी एक समाज की बात होती है, वो तो संविधान को सबसे पहले रखती हैं और संविधान के ही तरीका से काम करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो बीएसपी से लोग गए हैं छूट करके दूसरी पार्टियों में, वो वहाँ बाबा साहब का मिशन चलाएंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो वो लोग अगर मिशन चलाते तो पार्टी को नहीं छोड़ते, सबसे पहली बात तो ये। वो लोग मतलबी हो चुके हैं, फरेबी हो चुके हैं, क्योंकि कुछ लोग आपने देखे होंगे अपने बच्चों बेटों को टिकट चाहते हैं वो लोग, वो लालची किस्म के लोग हैं, समाज के लिए काम नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को समाज नकार देगा। मौर्य साहब आ गए हैं सपा में, कितना असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा, नेता तो हम नहीं बनाया था उसे, अब से पहले तो कभी चुनाव भी नहीं था, वो कई पार्टियों में रहे हैं। अभी बहन जी ने उनके ऊपर अपनी बाइट भी दी थी, बहन जी ने साफ कहा है कि नेता तो हमने बनाया इसको, आज नेता बनने के बाद औरों को बदनाम कर रहा है, देख लेना पता पड़ जाएगी कैसे जीत के आएंगे चुनाव वो।